नमस्कार देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, मैं हूँ डॉक्टर बाथम अशोक कुमार, मेरा नाम है, और डॉक्टर बाथम्स नरेटिव्स प्रोग्राम के अंतर्गत मैं आज आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही उपयोगी, बहुत ही आश्चर्यजनक दवा के बारे में, जिसका नाम है आइवरमेक्टिन। बहुत सारे लोग, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स इसको वंडर ड्रग बोलते हैं, जैसा कि हम पेनिसिलिन को बोलते हैं। पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स आज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, एस्पिरिन और एस्पिरिन के बाद एस्पिरिन के तरीके की जो दवाइयाँ आई हैं उन्होंने एक तरह का तहलका मचा दिया है मेडिसिन के फील्ड में। तो एस्पिरिन और पेनिसिलिन के बाद में अगर कोई वंडर ड्रग आया है तो वो है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन बहुत सारी दवा बीमारियों में, खास करके वो बीमारी हैं जो परजीवियों द्वारा पैदा की जाती हैं, उसमें यूज़ होता है। लेकिन आइवरमेक्टिन को कोरोना वायरस इन्फेक्शन में हम यूज़ करें या ना करें, इस चीज़ को भी हम देखेंगे, ये देखने के साथ साथ कि भाई इसको वंडर ड्रग क्यों बोल रहे हैं, आइवरमेक्टिन वंडर ड्रग क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि इस दवा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो अभी आप प्रेजेंटेशन में मैं थोड़ा मेथडिकली, सिस्टमेटिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दवा इनफैक्ट जापान में डेवलप की गई है, जहाँ पर साइंटिस्ट थे सतोशी ओमुरा, जो कि टासेटो यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, टोक्यो की। उन्होंने फिर बाद में काम किया डॉक्टर विलियम सी कैम्बेल के साथ, जो कि मार्क इंस्टीट्यूट फॉर थेरापेटिक रिसर्च से हैं, और इन दोनों डॉक्टरों को 2015 में नोबल प्राइज़ प्राप्त हुआ है मेडिसिन फिजियोलॉजी के फील्ड में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी डिस्कवरी उन्होंने की है और ये दवा कितनी यूज़फुल है। जहाँ तक इसकी हिस्ट्री का सवाल है, 75 में डेवलप कर ली गई थी। इन्होंने एक बैक्टीरिया है जो जापान की मिट्टी में से निकाला था, जिसको बोलते हैं वो आइवरमेक्टिन्स। आइवरमेक्टिन नाम के बहुत सारे कंपाउंड्स उन्होंने इस बैक्टीरिया से निकाले और इसको, इसके फिर बहुत सारे डेरिवेटिव्स उन्होंने डेवलप किए, जिसमें से एक डेरिवेटिव जो बहुत अच्छा है, जो अच्छा पाया गया है, उसका नाम है आइवरमेक्टिन। अब आइवरमेक्टिन यूज़ हो रहा है 75 से वेटरनरी मेडिसिन में, डॉग्स में, कैटल्स में, दैट मीन्स काउस और बफेलोज में यूज़ हो रहा है, कुत्तों में यूज़ हो रहा है, घोड़ों में यूज़ हो रहा है। इंसानों में इसका यूज़ शुरू हुआ है 1981 के बाद, और आज ये दवा WHO के एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अंदर शामिल है। बहुत सारे कीटाणु और परजीवी जंतुओं को ये दवा मारती है, और इसलिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के अंतर्गत लाखों करोड़ों लोगों को ये दी जा चुकी है, और उनकी जानें बची हैं, उनकी आँख बची है, उनके हाथ पैर बचे हैं। नहीं तो लोग, एक बीमारी होती है रिवर ब्लाइंडनेस, जिससे उनकी आँखें चली जाती है, जो एक काली मक्खी के काटने से होती है। एक मच्छर के काटने से बीमारी होती है फाइलेरियासिस, जिसमें पैर एलिफेंट जैसे हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और टच करूँगा बाद में, अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जब भी कोई नई दवा आती है तो हम देखते हैं कि भाई ये कितनी सेफ है, सेफ्टी क्या है। सेफ्टी का जहाँ तक सवाल है, इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होते, कुछ नहीं होते, ना के बराबर होते। इसको कोई ऑर्डिनरी हेल्थ वर्कर भी दे सकता है जो कि पढ़ा लिखा ज़्यादा ना हो, इसलिए ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के अंदर यूज़ हुई है, जिसमें लाखों लोगों को इसके डोजेस दिए जा चुके हैं। वो खास करके रिवर ब्लाइंडनेस और फाइलेरियासिस को रोकने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए ये बीमारी ये यूज़ हुई है। तो इसका सेफ्टी का जहाँ तक सवाल है, वो उसके ऊपर प्रश्नवाचक निशान नहीं लगा सकते, क्योंकि 40 साल से ज़्यादा से ये दवा यूज़ हो रही है, 40 साल तो करीब करीब हो रहे हैं, और इसलिए सेफ्टी इज़ नॉट ए कॉज ऑफ कंसर्न। दूसरा हम देखते हैं कि भाई इफ़ेक्टिव है कि नहीं, इफ़ेक्टिवनेस इसका, ये एफिकेसी जिसको हम बोलते हैं, ओवरऑल इफ़ेक्टिवनेस सारे मरीजों में वो बहुत अच्छी है, जहाँ तक पैरासिटिक डिजीज़ का सवाल है।
परजीवियों से द्वारा होने वाली बीमारियों का जहाँ तक सवाल है, वो सब इससे ठीक हो जाती हैं। जब हम इसको मुंह से भी दे सकते हैं गोली के रूप में, इसको हम क्रीम के रूप में लगा सकते हैं, लोशन के रूप में लगा सकते हैं, यहाँ तक कि शैम्पू वापर सकते हैं। ओरली ये अब्जॉर्ब हो जाती है और काफ़ी टाइम शरीर के अंदर रहती है। इसका काम करने का तरीका भी बहुत अलग है। ये क्या करती है कि एक ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में इन पराजीवियों के, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो इससे क्लोराइड आयंस सेल में से ज़्यादा बाहर आ जाता है और इससे हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। हाइपर पोलराइजेशन हो जाने की वजह से परजीवी पैरालाइज हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इन चैनल्स को जिसमें से क्लोराइड जाता है, जिससे क्लोराइड की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, उनको कहते हैं ग्लूटामेट एक्टिवेटेड क्लोराइड चैनल्स। ही काफ़ी टेक्निकल है, इसको आप ज़्यादा समझने की कोशिश मत करिए, बस इतना जानिए कि ये परजीवियों में होता है और जो रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी हैं, जिसे मनुष्य हम लोग हैं, हमारे अंदर नहीं होता। और चूंकि ये दवा वहाँ असर करती है और वो चीज़ हमारे शरीर में है ही नहीं, तो ये हमारे ऊपर असर नहीं होता, इसलिए इसके बुरे असर नहीं होते, एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते, साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बहुत सेफ दवा मानी जाती है। अगर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं तो वो वहाँ होते हैं जब हम एलिफेंटियासिस ट्रीट कर रहे होते हैं, वो बहुत सारे कीटाणु मरने की वजह से हो जाते हैं। तो ये बहुत सिलेक्टिव ड्रग है। दूसरा, इसके अंदर एक और खासियत है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस करता, इसलिए दिमाग के अंदर नहीं जाता और दिमाग से या ब्रेन से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हमारे अंदर नहीं हो सकते इसकी वजह से। अब ये देखा गया है कि वायरल इन्फेक्शन में ये क्या करता है। वायरल इन्फेक्शन में ये करता है कि वायरस जो है, ख़ास करके अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, तो कोरोना वायरस सेल्स के अंदर घुस जाता है, जो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को डिसाइड करते हैं, उन सेल्स में जाता है। और उन सेल्स में जाने के बाद इसको फिर उसके न्यूक्लियस में जाना होता है, और न्यूक्लियस के अंदर घुसने के लिए एक दो प्रोटीन्स होते हैं जो ज़रूरी हैं, जिनका नाम है इम्पोर्टिन अल्फ़ा और इम्पोर्टिन बीटा वन। ये दोनों प्रोटीन्स को ये दवा जो है ब्लॉक कर देती है, और इसलिए कोरोना वायरस न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुस पाता। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक होस्ट डायरेक्टेड एजेंट है, हमारे सेल्स के अंदर ये काम करता है ताकि हमारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर ये कोरोना वायरस घुस नहीं सके और नुकसान नहीं कर पाए। तो ये रहा इसका मैकेनिज्म एक्शन या काम करने का तरीका कोरोना वायरस के अंदर। अब रहा सवाल कि हमने तो देख लिया कि भाई ये बहुत सारे पैरासाइट्स को मार देती है, जैसे ऑंकोसर का वॉल्विलस लोअर लोअर, जिससे फाइलेरियासिस होती है, और रिवर ब्लाइंडनेस, जिससे कि रिवर ब्लाइंडनेस होती है। एक फाइलेरियासिस होती है कीटाणु से, जिसका नाम है वो करेरिया बैंक्रोफ्टाई, ब्रूजिया मलाई दूसरा है, तीसरा ब्रूजिया टिमोरी है, जिससे ये पैर जो है हमारा हाथी के पैर जैसा हो जाता है, और इस वजह से इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। तो एलिफेंटियासिस जैसी बीमारी इससे हो जाती है। दूसरे पेट के कीड़े हैं जैसे थ्रेडवर्म, पिनवर्म, व्हिपवर्म, राउंडवर्म, ये सब इससे मार जाते हैं, और ये बहुत यूज़फुल है, सिंगल डोज में काम कर जाती है। आप ऐसे मत लीजिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लीजिएगा। बाहर के जहाँ तक तो आपने देखा, खून के अंदर जाने वाले, लिम्फेटिक्स में जाने वाले, शरीर के दूसरे भागों में जाने वाले परजीवियों को ये ख़त्म कर देती है। शरीर के सतह के ऊपर जो परजीवी आ जाते हैं, जैसे जूं हो जाती है, जिसको हम लाइस बोलते हैं या पेडिकुलोसिस बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कारगर है। इसी तरह से एक और बीमारी होती है जिसके अंदर एक माइट होता है, जिसको सार्कोप्टिसिस केबियाई बोलते हैं, छोटा सा कीटाणु होता है जो चमड़ी के अंदर बरोज बना लेता है और वहाँ घुस जाता है, रात को निकलता है, इसलिए रात को इचिंग ज़्यादा होती है, फिर बहुत सारा कुछ होता है जो कि डॉक्टर पहचान सकता है। तो इसके बीज एक कॉमन बीमारी है जो हमारे में होती है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ये उपयोगी है, कारगर है।
एक और बीमारी है चमड़ी की रोजेशिया, जिसमें हम आजकल बोल रहे हैं कि डिमोडेक्स नाम के जो परजीवी हैं, माइट्स हैं, उससे ये, और ये जो प्रेजेंटेशन है मैं फिर से रिज्यूम कर पाऊँगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो दवा है ये उपयोगी है बहुत सारे वर्म इन्फेक्शंस और इन्फेस्टेशंस में, जैसे कि रिवर ब्लाइंडनेस और फाइलेरियासिस या लोअर फाइलेरियासिस और आई वर्म, इनसे दोनों से आँखें में अंधत्व आ जाता है और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ख़ास करके अफ्रीकन देशों में ये बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ इसको रोकने के लिए बहुत ही बड़े लेवल पर आइवरमेक्टिन का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जो कि बुखरेरिया बैंक्रॉफ्टी या ब्रूजिया मलाई या ब्रूजिया टिमोरी नाम के परजीवियों से होती है, जिसमें पैर हमारा हाथी के पैर के बराबर हो जाता है, उसमें इतनी सूजन आ जाती है और कनेक्टिव टिश्यू का प्रोलिफरेशन होता है, तो ये बीमारी भी इससे रोकी जा सकती है या काफ़ी हद तक ठीक की जा सकती है। तो इनको रोकने के लिए ये बहुत मैसिव लेवल पर, बहुत ही बड़े लेवल पर, जहाँ लाखों लोगों को ये दवा दी जाती है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत सेफ़ है। आम जो हेल्थ वर्कर होता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी इसको दे सकता है। इसके अलावा हमारे डॉक्टर यूज़ करते हैं इसको थ्रेड वर्म में, पिन वर्म में, विप वर्म में, राउंड वर्म इन्फेक्शन जो हमारे पेट के अंदर हो जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। चमड़ी के ऊपर जो अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा था पहले शायद, कि ये जू में काफ़ी काम करती है, जिसके लिए लोशन भी है उपलब्ध और क्रीम भी लगाई जा सकती है। इसके बीज में बहुत उपयोगी है। एक बीमारी होती है चमड़ी की रोजेशिया, उसमें भी काफ़ी काम करती है। ब्लेफराइटिस, जो आँख की जो पलक है, पलकों में के किनारे इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी काम करती है। और ये दवा मस्कीटोस को भी मारती है। अगर मच्छर ऐसे इंसान को काटे जिसने ये दवा ले रखी है, वो मच्छर मर जाते हैं, उसके अंदर जो मलेरिया पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं, प्लास्मोडियम जिसको बोलते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो शायद ये मलेरिया रोकने के लिए, मच्छर मारने के लिए भी काम आ सकती है, जिसके लिए अभी कुछ प्रोग्राम सरकारें बनाने का सोचेंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वंडर ड्रग ऐसे ही नहीं कहलाता, ये वंडर ड्रग बहुत सेफ़ है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। और यहाँ तक कि अभी कोई लीवर डिजीज़ में भी, जो जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डीजनरेशन, उसमें भी ये काम आ सकती है, ऐसा रिसर्च बता रही है। क्योंकि एक रिसेप्टर होता है सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं फॉर्मिसाइट एक्स रिसेप्टर, उसके अंदर जाके ये फिट हो जाती है, उसका एक इम्पॉर्टेंट लाइगेंड है, और ये उस बीमारी को रोक सकती है, ठीक कर सकती है। तो एक ये भी नया आयाम है। और चूँकि ये होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल ड्रग है, मतलब वायरस के ऊपर सीधा असर तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये होस्ट की इम्यूनिटी, ये इम्यून मैकेनिज्म्स हैं, उनको ऐसा मजबूत कर देता है कि वो वायरस के न्यूक्लियस के अंदर नहीं आने देते। तो ये सिर्फ कोरोना वायरस में ही नहीं, शायद डेंगू वायरस में, चिकनगुनिया में, येलो फीवर में और दूसरे इन्फ्लुएंजा वायरस में भी शायद भविष्य में उपयोगी हो जाए। तो ये वाकई वंडर ड्रग है, ऐसा सारी दुनिया को लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। अब ये करता क्या है कि ये कोरोना वायरस के अंदर इतना उपयोगी है कि कोरोना वायरस के जो साइंटिस्ट हैं, ख़ास करके डॉक्टर वॉकस्टाफ और प्रोफेसर जॉन्स, जो मोनाश यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं काम करते हैं, 2012 से काम कर रहे हैं, इन्होंने देखा कि भाई ये दवा बहुत ज़्यादा उपयोगी है कोरोना वायरस के खिलाफ, जहाँ पे 2.2 से लगा के 2.8 माइक्रोमोल लेवल के अंदर 50% कीटाणुओं को ख़त्म कर देती है और 48 घंटे में 5000 फोल्ड रिडक्शन हो जाता है, 5000 गुना ये वायरस की तादाद को कम कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, ये अप्रूव्ड या लाइसेंस्ड दवा नहीं है। इसको ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि ड्रग्स को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उन्होंने परमिशन नहीं दी है। USFDA यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको इजाज़त नहीं दी है।
थेरापेटिक गुड्स एजेंसी ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दी है, यूरोप में EMEA ने इसको इजाज़त नहीं दी है, तो दुनिया में कहीं पर भी ये अभी लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सका है इस यूज़ के लिए। बाकी जगह यूज़ हो रहा है जैसा मैंने बताया पराजीवियों में। अब लेकिन लोगों ने इसके बारे में यूज़ करना शुरू कर दिया, और जब यूज़ करना शुरू किया है तो कुछ देशों ने डील ली है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर थॉमस बरोडी, जिन्होंने आज से कुछ साल पहले एक ट्रिपल ड्रग रेजिम बनाया था पेप्टिक अल्सर के लिए। वो साहब ने यही स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए अभी यहाँ पर कोरोना के लिए भी तीन दवाइयाँ, जिसमें आइवरमेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है और जिंक वगैरह है, तीन दवाइयाँ हैं, उनको लेकर उन्होंने कुछ रेजिम बनाई हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कारगर है और बहुत इफ़ेक्टिव है माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में कम से कम। तो इन्होंने काफ़ी इसको प्रमोट किया है और कोशिश कर रहे हैं कि जब ये सैकड़ों हजारों लोगों को ठीक कर सकती है और इतने लोगों ने, डॉक्टरों ने यूज़ किया है, तो इसको अप्रूवल मिलना चाहिए। और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक पीटर डोहर्टी इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी है, जिसने जॉइंट वेंचर किया है मेलबर्न यूनिवर्सिटी एंड रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल के साथ। ये मिलकर काम करेंगे और रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग के लिए फॉर ऑब्टेनिंग मार्केटिंग अथोराइजेशन ये लोग सिस्टमेटिक रेंडमाइज कंट्रोल्ड, खास करके प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल करके इसको पास करवाने की कोशिश में हैं। बांग्लादेश में भी बहुत काम हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर तारिक आलम ने काफ़ी काम किया है और वो लोग भी देख रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स की जाएं। लेकिन उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये है कि 4 से 14 दिन के अंदर अगर ये 98% या उससे ज़्यादा मरीजों को अच्छा कर देती है। तो इन लोगों ने भी काफ़ी काम किया है और कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। एक स्टडी स्पॉन्सर करवाई है इन्होंने उपर ज़िला हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग ऑफिसर्स ऑफिस के साथ में, और जहाँ ये आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन का कंपैरिजन करेंगे, कर चुके हैं, करेंगे नहीं, और इसको पाया है सुपीरियर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन के कॉम्बिनेशन से। तो एक दूसरी स्टडी इन्होंने 60 पेशेंट्स में बांग्लादेश में हुई है, जो 60 में से 6 दिन के अंदर अच्छे हो गए, ये एक अच्छी खबर है। इसी तरह की स्टडीज़ डोमिनिकन रिपब्लिक में भी हो रही हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सक्सेसफुल ये दवा पाई गई है। 1300 अर्ली स्टेज ये पेशेंट्स थे COVID-19 के, वो सब अच्छे हो गए। सिंगापुर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर भी काफ़ी काम कर रही है रोकथाम के क्षेत्र में, यहाँ देख रहे हैं कि भाई ये दवा मरीजों के जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको बीमारी से बचा सकती है या नहीं। वो स्टडी का नाम है DORM ट्रायल, जो अभी शुरू हो रही है, लीडरशिप में जिसके हैं सीएंग रेमंड, जो एक सीनियर कंसल्टेंट है डिवीजन ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इजिप्ट के अंदर यूनिवर्सिटी है ज़गाज़ग यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी इसका ट्रायल हो रही है रोकथाम के लिए कोरोना की। ब्राज़ील में यह अप्रूव नहीं है, लेकिन ब्राज़ील में 3 ऐसे शहर हैं जिनके म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि भाई आप इसको इलाज और रोकथाम के लिए कोरोना इन्फेक्शन के यूज़ कर सकते हैं। इसराइल में भी शिबा मेडिकल सेंटर में काम हो रहा है और वहाँ पर भी इन्होंने देखा है कि करीब 100 पेशेंट्स को अभी इनरोल करेंगे, जिसमें 50 को आइवरमेक्टिन देंगे, 50 को प्लेसिबो देंगे, और देखते हैं नतीजे क्या आते हैं। इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी भी काम कर रही है और कुछ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी फ्लोरिडा में हुई है, मतलब पिछले रिकॉर्ड्स देखे गए हैं पेशेंट्स के, और देखा कि जिन पेशेंट्स को पहले मिला है, एक डोज भी मिल गया है अगर आइवरमेक्टिन का, तो उनको देखा है इन्होंने और पाया है कि ऑल कॉज मॉर्टेलिटी जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स है COVID-19 के पेशेंट्स है वो काफ़ी कम पाई गई है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर, और ये लगता है उपयोगी। लेकिन अभी सिस्टमेटिक रजिस्ट्रेशन स्टडीज़ अभी शुरू वहाँ पर होना बाकी हैं, तब इनको USFDA से अप्रूवल मिलेगा। फ्रांस में भी मेडिनसेल नाम की कंपनी काफ़ी एक्टिव है,
और इंडिया में भी अभी लोग रिसर्च की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन रिसर्च के पहले यूपी गवर्नमेंट में के हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिकमेंडेशन की हुई है कि भाई ये दवा आप दे सकते हैं मरीजों को। और इसी तरह से गोवा भी ऐसे ही कर रहा है। गोवा इज़ ट्राइंग टू बिकम द गेम चेंजर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, जहाँ पर ये लोग दे रहे हैं आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन फ्री में मरीजों को। तो काफ़ी काम हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा है, लेकिन देखने की बात यह है कि अभी हमारे भारत के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको मंजूरी नहीं दी है, और अभी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी किसी कंपनी को इस इंडिकेशन के लिए लाइसेंस अभी तक नहीं दिया है। और WHO भी ये कह रही है कि ये सारी दवाइयाँ जिसमें रेमडेसिविर भी है, जिसको कि USFDA ने पास किया है, इतनी उपयोगी नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी अच्छा नहीं है, लोपिनावर रिटोनावर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, इंटरफेरॉन रेजीन्स भी इतने इफेक्टिव नहीं है मोर्टेलिटी कम करने के लिए, मृत्यु दर कम करने के लिए इतने उपयोगी नहीं है। तो उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं की है इन दवाओं की, और रिटोनावर का नाम उन्होंने अभी नहीं लिया है, राइट। लेकिन WHO ने ये ज़रूर कहा है कि डेक्सामेथासोन और दूसरे स्टीरॉइड्स जो हैं वो उपयोगी हैं मोर्टेलिटी कम करने में। तो अभी देखें तो बहुत सारे दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, और जिनके बारे में मैं अगले वीडियो में, अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया और आपने पाया कि भाई ये आदमी कुछ काम की बातें बता रहा है, जानकारी दे रहा है, और इस जानकारी के बेसिस पर आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, अगर वो प्रिस्क्राइब करें उचित समझें तो आप इसको लीजिए। इतना कहते हुए मैं इस प्रेजेंटेशन को आपको धन्यवाद देते हुए बंद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक का बटन दबाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।